गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आज हम समझने जा रहे हैं एक नया लेसन डेप्रिसिएशन, जो कि आपकी क्लास प्लस वन कॉमर्स के सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। तो डेप्रिसिएशन, पहले इसका मतलब क्या है, क्या होती है डेप्रिसिएशन? इट इज़ द फॉल इन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, एफ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस और बाय एक्सीडेंट, दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। क्या मतलब है कि कोई भी जो हमारी बिजनेस के अंदर फिक्स्ड एसेट है, तो उसके यूज़ करने के कारण उसकी जो वैल्यू के अंदर गिरावट आ गई, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। पर जरूरी नहीं है कि उसको यूज़ करने पे ही उसकी वैल्यू कम हो, कई बार एसेट को बिना यूज़ किए भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे हम कोई मशीनरी लेके आते हैं और सारा साल उसको हम यूज़ नहीं करते, तो फिर भी अगर साल के एंड पे उसको हम मार्केट के अंदर देखें, बेचने की कोशिश करें, तो वो उतने रुपए की नहीं बिकेगी जितने की हमने खरीदी है, ठीक है। तो या अगर मार्केट के अंदर उसका फैशन ख़त्म हो जाए, उसका चलन जो है ख़त्म हो जाए, उसको हम कहते हैं ऑब्सोलेसेंस। या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई कि अब वो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें कोई ख़रीद नहीं रहा, या बाय चांस नई चीज़ के ऊपर ही हल्का सा कोई एक्सीडेंटली उसमें कोई खराबी आ गई, तब भी उसके अंदर वैल्यू की गिरावट आ जाएगी, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन सभी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर हम चार्ज करते हैं एक्सेप्ट लैंड। लैंड के ऊपर हम कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, क्योंकि लैंड की जो लाइफ जो है वो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट लाइफ है उसकी, तो इस कारण से हम लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। लैंड के अलावा जितनी भी एसेट्स हैं उन सभी के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं किसी भी डेप्रिसिएशन की, कि इट इज़ चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स ओनली, इट इज़ ए कंटिन्यूस नेचर, इट इज़ ऑफ नॉन कैश नेचर, कि इसके लिए हमने किसी को कोई पेमेंट नहीं करनी, जो भी इसकी हमने डेप्रिसिएशन लगाई है उतने ही पैसे हम बिजनेस के अंदर अलग से रख लेते हैं किसी फंड के अंदर। इट इज़ एन एक्सपेंस एंड चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिस तरह से बाकी कोई एक्सपेंडिचर होते हैं रेंट का या कोई रिपेयर का या किसी और तरह का, उसी तरह से ये भी एक एक्सपेंडिचर है बिजनेस के लिए, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट करेंगे। इट इज़ फॉल इन द बुक वैल्यू नॉट मार्केट वैल्यू, कि ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स की जो बुक वैल्यू है, जो हमने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड की हुई है, उसके अंदर गिरावट है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये मार्केट वैल्यू के अंदर भी गिरावट हो। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट नॉट वैल्यूएशन ऑफ एसेट, कि डेप्रिसिएशन को जब प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को हम घटा के लिखते हैं अगले साल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यूएशन कर रहे हैं, बल्कि हम जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसको एलोकेट कर रहे हैं हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। दोबारा देखते हैं कि सबसे पहले डेप्रिसिएशन, कि किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू के अंदर गिरावट आना उसके यूज़ के कारण, दूसरा उसकी करैक्टरिस्टिक्स कि इसको हम चार्ज करते हैं सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, कंटिन्यूस नेचर का है, नॉन कैश नेचर का है, एक तरह का एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट लॉस के अंदर चार्ज करते हैं, ये बुक वैल्यू के अंदर फॉल हुई है, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट वैल्यू के अंदर भी फॉल हो, एंड इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, कि जो हम ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर चार्ज करते हैं। अगला स्टेप आ गया इसका कि इसकी ज़रूरत क्या है डेप्रिसिएशन लगाने की। नंबर वन, टू फाइंड द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर हम डेप्रिसिएशन को भी साथ में जोड़ेंगे, तो हमारी एग्जैक्ट कॉस्ट आएगी प्रोडक्शन की। टू फाइंड द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, के जब हम डेप्रिसिएशन को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ऐड करेंगे, तो उसके कारण हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो के आएगा, तो कम प्रॉफिट के ऊपर हमें टैक्स भी कम देना पड़ेगा, और यही रिक्वायरमेंट है इनकम टैक्स एक्ट की और कंपनी एक्ट की भी, कि वो भी चाहते हैं कि डेप्रिसिएशन को कंपलसरीली लगाया जाए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, चार्ज किया जाए। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इसकी अगली एडवांटेज क्या है। नेक्स्ट इसका है,
टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि जब हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही निकाल रहे हैं, अपनी जो हमारी एसेट है उसकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो सही निकाल रहे हैं, तब ऑटोमेटिकली हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी क्या है, हम ट्रू एंड फेयर नेचर में शो कर रहे हैं। टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स, कि इस तरह से डेप्रिसिएशन लगाना रिक्वायर्ड है कंपनी एक्ट द्वारा भी और इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा भी। टू रिटेन द फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट, कि जो हर साल हम इस तरह से डेप्रिसिएशन के लिए अमाउंट लगाते हैं उसकी पेमेंट तो हमने किसी को करनी नहीं है, तो जो वो अमाउंट है उसको जब हर साल हम इकट्ठा करते जाएंगे तो एक ह्यूज अमाउंट हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा जिसको हम यूज़ कर लेंगे एक नई एसेट खरीदने के लिए जब वो पुरानी वाली एसेट अपना काम करना बंद कर देगी। अब ये थी उसकी सारी फीचर्स। अब हम करते हैं कि उसके डेप्रिसिएशन के साथ में मिलते जुलते कुछ और जो नाम इस बुक में आएंगे। नंबर वन है डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन एंड ऑब्सोलेसेंस। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है कि इस टर्म को हम यूज़ करते हैं कुछ खास एसेट्स के लिए, वेल जैसे तेल के कुएं हो गए, माइंस हो गई, क्वेरीज जहाँ से वो मार्बल या पत्थर वगैरह हम निकालते हैं, तो उन चीज़ों की जो डेप्रिसिएशन है उसके लिए स्पेशल हम वर्ड यूज़ करते हैं डिप्लीशन। तो जब भी इन खानों में से, कुओं में से जब हम उसकी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो उसकी वैल्यू के अंदर जो गिरावट आ जाती है एसेट की उसको हम कहते हैं डिप्लीशन। दूसरा इसमें जो नया शब्द है एक अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज़ करते हैं हम इनटेंजिबल एसेट्स के लिए लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, तो उनकी वैल्यू के अंदर जो फॉल आता है उसको हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। अगला आ गया नाम एब्सोलेसेंस। एब्सोलेसेंस एक नाम है कि जब किसी एसेट के अंदर उस गिरावट आ जाए वैल्यू में ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कि नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसके कारण पुरानी हमारी टेक्नोलॉजी की जो एसेट थी वो अब बेकार हो गई या उसकी वैल्यू के अंदर गिरावट आ गई, तो उस गिरावट को हम कहते हैं ऑब्सोलेसेंस। अब हम देखते हैं कि इसकी हमने अकाउंटिंग कैसे करनी है, कि डेप्रिसिएशन के साथ में जुड़े हुए कौन कौन से वर्ड्स हैं। सो यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने चार्ट बनाने की कोशिश की है कि हाउ टू प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे एक जो मैंने एक चार्ट नेस में लिखा है सबसे पहले कि ओरिजिनल कॉस्ट या जिसको हम नाम देते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये क्या चीज़ है। फिर हम देखेंगे डेप्रिसिएशन क्या है। फिर हम देखेंगे बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू WDV, उसका क्या मतलब है। ओरिजिनल कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है कि हमने एसेट परचेज कितने की, उसको उसके ऊपर फ्रेट का खर्चा कितना हुआ, उसको इंस्टॉल करने का खर्चा कितना हुआ, तो इन सभी को मिला के जो हमारी कॉस्ट हुई है उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट। तो इसके अंदर हम मान के चलते हैं, मान लो परचेज कॉस्ट मेरी 180,000 थे, फ्रेट 10,000 थी, इसी तरह से इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी मेरी 10,000 थी, तो टोटल मिला के मेरे पास हो गया उसका 2 लाख रुपीज़। तो एग्जांपल जस्ट एक मान के चलते हैं कि हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट है 2 लाख रुपीज़। तो अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है उसका मेथड हम देखेंगे आगे जाके। तीन हम पॉइंट्स बनाएंगे कि अकॉर्डिंग टू द डाटा गिवन, कि हमें डाटा क्या दिया हुआ है तो उसके हिसाब से हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तीसरे स्टेप पे क्या निकालनी है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में कैसे निकालना है कि जो 2 लाख रुपये ये हमारी कॉस्ट है उसमें से जब डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू। तो देखते हैं हम तीन केसों में से पहला केस, के पहला है हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर गिवन है 20%, ठीक है, तब क्या होगा कि इस बुक वैल्यू के ऊपर हम लगाएंगे 20% रेट, तो हमारे पास आ गया आंसर 40,000। तो पहले साल की जो डेप्रिसिएशन है ये हमारे पास कितनी आ गई, 40,000, और ये 2 लाख रुपये में से जब हम डेप्रिसिएशन को घटाएंगे तो बाकी जो अमाउंट रह गया वो हमारे पास क्या है, बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू। एक तो केस था ये वाला कि जिसके अंदर हमें रेट गिवन थी। सेकंड केस है कि जिसके अंदर रेट नहीं गिवन है, हमारे पास गिवन है यूज़फुल लाइफ,
कि मान लो कि उसने बताया कि जो मशीन की यूज़फुल लाइफ है 5 ईयर्स है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि जो टोटल मेरी ओरिजिनल कॉस्ट है 2 लाख रुपीज़, उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ उसकी यूज़फुल लाइफ से, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करने पे अगेन हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इस केस में, 40,000, ठीक है। तो ये 40,000 हमने हर एक साल लगाते रहना है 5 साल में, तो 40,000 जब हम इसमें से घटाएंगे तो अगेन हमारे पास बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,60,000 रुपये। तीसरा केस है कि अगर हमें यूज़फुल लाइफ के साथ में स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब है कि 5 साल या 10 साल की जो यूज़फुल लाइफ है मशीन की, उसके बाद उस मशीन का जो स्क्रैप वैल्यू है उसको मार्केट में अगर हम लोहे के भाव भी बेच दें तो उसका क्या मोल रहेगा, तो उसको हम कहते हैं 20,000। हम इसके मान के चलते हैं, मान लो 20,000 गिवन है और यूज़फुल लाइफ उसकी 5 ईयर्स गिवन है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो हमारा 2 लाख रुपये कॉस्ट है तो उसमें से हमें 20,000 तो रिकवर हो ही जाने हैं, ठीक है, उसको हम लेस कर देंगे, तो बाकी जो अमाउंट हमारा 1,80,000 आ गया उसको हम डिवाइड करेंगे 5 ईयर से, तो इसमें हमारा ये आ जाएगा 36,000। तो इस केस में हमारी डेप्रिसिएशन कितनी है, 36,000। तो जब इसको हम 2 लाख रुपये में से घटाएंगे तो बाकी हमारे पास आ जाएगी बुक वैल्यू 1,64,000। तो एक ये सिंपल सा मेथड था कि आपको बताने के लिए कि आपको डाटा क्या गिवन है, अगर परसेंटेज गिवन है तो सीधी परसेंटेज लगानी है, अगर नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है तो उससे डिवाइड कर देना है, अगर स्क्रैप वैल्यू भी साथ में गिवन है तो पहले स्क्रैप वैल्यू को घटा के बाकी अमाउंट को हमने 5 ईयर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि ओवरऑल मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन हमारी बुक के अकॉर्डिंग कौन से हैं। नंबर 1 SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड है इसके अंदर हम हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे, मान लो जैसे इस केस में हमने निकाली 40,000, तो हर साल 40,000 हम लेस करते जाएंगे। दूसरा केस जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसके अंदर जो है हम हर साल सेम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, बल्कि आने वाले अगले सालों में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जाएगा, और इस केस के अंदर कभी भी एसेट की जो बुक वैल्यू है 0 नहीं होएगी। तो इसको हम एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे नेक्स्ट में। तो लेट हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे कि फर्म ने मशीनरी खरीदी है 1,80,000 रुपये में 1 अप्रैल 2017, और उसके ऊपर 20,000 इंस्टॉलेशन के खर्च हुए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स, पहले 4 सालों की डेप्रिसिएशन निकालनी है। अगर फर्म यूज़ करती है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम, और इसको हमने दोनों तरीकों से निकालना है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो पहले हम कैलकुलेशन देखते हैं इसकी करनी कैसे है। तो वही 3 स्टेप यहाँ पे, पहला हम इसमें कॉलम बना रहे हैं हिस्टोरिकल या ओरिजिनल कॉस्ट का, फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन बनाएंगे और इन दोनों को लेस करके यहाँ पे आ जाएगी बुक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमारे पास पहला साल हम देखते हैं जो हमारा 2017 वाला है, 2017 से लेके 18 तक का, उसके अंदर हमारी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 2 लाख रुपीज़, डेप्रिसिएशन 20% क्योंकि रेट दी हुई है तो सीधी रेट लगाई, यहाँ पे कितना आ गया 40,000, दोनों को लेस करके बुक वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, 1,60,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो स्ट्रेट लाइन मेथड जब भी हम ये यूज़ करते हैं तो इसके अंदर बड़ा ही इजी है कि अगले साल भी 40,000, उसके अगले साल भी, उसके अगले साल भी, तो हर साल हमने कितनी डेप्रिसिएशन लगानी है, 40,000। तो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट वही उसका नाम रहेगा, चाहे वो पहला साल है चाहे दूसरा साल है, 5 साल में हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी थी, 2 लाख रुपीज़, हमने कोई एडिशनल एसेट और कोई नहीं खरीदी। पहले साल उसकी बुक वैल्यू रहेगी थी 1,60,000 रुपये, अगले साल फिर 40,000 लेस हो गया कितनी रहेगी, 1,20,000, ऐसे ही फिर 40,000 का बाकी रह गया 80,000, देन 40,000, और एंड में उसकी वैल्यू क्या हो गई, नील।
ठीक है। तो ये था एक स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ अप्लाइंग द डेप्रिसिएशन। तो पाँचों सालों में हमने सेम डेप्रिसिएशन लगाई है। दो पॉइंट्स यहाँ पे यूज करने हैं कि हर साल डेप्रिसिएशन सेम है, बुक वैल्यू घटते घटते एंड पे जीरो होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम देखते हैं इसके अंदर कि इसके दूसरा लगा रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर क्या है कि यहाँ पे पहले देखो आप अपने आप कि वही तीन स्टेप्स, वही तीन स्टेप हमने पहले इसके अंदर लगाने हैं, ओरिजिनल कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू। अब यहाँ पे मेथड हमने कौन सा लगाना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इसमें भी ओरिजिनल कॉस्ट हमारी वो जो 2 लाख रुपए थे दोनों को मिला के 2 लाख, अगले साल कैसी रहेगी लगातार 2 लाख रुपीज़। यहाँ पे चेंज आएगी कि डेप्रिसिएशन जो पहले साल वो सेम थी कितनी, 2 लाख के ऊपर 20%, 40,000, बाकी की बुक वैल्यू जाएगी हमारी 1,60,000। अब चेंज देखनी है यहाँ पे क्या है कि अब जो सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन है इस मेथड में हमने ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर नहीं लगानी, 2 लाख के ऊपर नहीं लगानी, बल्कि इसकी बुक वैल्यू के ऊपर लगानी है। तो क्योंकि बुक वैल्यू कम थी तो डेप्रिसिएशन भी हमारी कितनी रहेगी अब 32,000। अगेन अब इस बुक वैल्यू में से 32,000 गए, बाकी रह गया इतना। अगले साल अगेन बुक वैल्यू के ऊपर 1,28,000 के ऊपर निकालेंगे और डेप्रिसिएशन कम हो गई, फिर इसको हम लेस करेंगे बुक वैल्यू इतनी, बुक वैल्यू के ऊपर अगेन डेप्रिसिएशन और कम हो गई, पाँचवें साल में डेप्रिसिएशन और कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम जितने मर्जी साल इसको हम यूज़ करते भी जाएंगे आगे 10 ईयर्स तक भी, तो हम देखेंगे कि बुक वैल्यू नेवर रिड्यूसेस टू ज़ीरो। और यहाँ पे देखो तो डेप्रिसिएशन हर साल क्या है, कम होती जाएगी। तो यही पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे रिटर्न डाउन वैल्यू के कि इन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन अमाउंट रिड्यूसेस एवरी नेक्स्ट ईयर, द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट नेवर रिड्यूसेस टू जीरो। और ये मेथड सूटेबल किन के लिए है कि ऐसी एसेट्स जो कि अपने लेटर ईयर्स के अंदर ज़्यादा रिपेयर्स मांगती हैं, जिनको ज़्यादा रिपेयर्स लगती है, ठीक है। मान लो कि ये इसमें पहले साल रिपेयर का खर्चा जीरो होएगा तो सारा खर्चा डेप्रिसिएशन का ही हो गया। अगले साल मान लो इसके अंदर 8,000 रुपये इसकी रिपेयर के लग गए, अगेन हमें लगेगा कि चलो उतना ही खर्चा हुआ है फर्म का। अगले साल उसका खर्चा ज़्यादा होएगा और खर्चा ज़्यादा होएगा, तो कहने का मतलब है कि इसके अगले कमिंग ईयर्स के अंदर रिपेयर का खर्चा बढ़ता जाएगा और डेप्रिसिएशन का खर्चा कम होता जाएगा। और अगर हम माने कि ओवरऑल जो उसकी कॉस्ट है फर्म की इस मशीनरी के यूज़ के कारण, तो वो ऑलमोस्ट बराबर रहती है। तो ये था दोनों का एक एनालिसिस के स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या है। अब हम जितनी भी एग्जांपल्स आगे करेंगे सेम इसी क्वेश्चन को लेकर चलेंगे कि 2 लाख रुपए की एसेट है, 20% डेप्रिसिएशन है, तो केसेस को चेंज करते हैं हम आगे। अगेन सेम केस कि यहाँ पे फिर हमारे पास कितना है परचेज कॉस्ट, देखो कितनी है यहाँ पे 1,80,000, इंस्टॉलेशन कॉस्ट उतनी है, डेप्रिसिएशन की उतनी है। पर यहाँ पे जो चेंज हमने की है इस बार कि एसेट को हमने शुरू में नहीं खरीदा, एसेट इज़ परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2017 के ऑलरेडी हमारे फाइनेंशियल ईयर के 6 मंथ इलेप्स हो चुके हैं, निकल चुके हैं। पहले हमने 6 महीने गुजरने के बाद एसेट खरीदी है, इसका मतलब कि जो हमारी एसेट है हमारा जो पहले फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 6 मंथ के लिए यूज़ हुई है। तो हम पहले साल के अंदर इसको चेंज करेंगे कि पहले साल में सिर्फ 6 मंथ की डेप्रिसिएशन हमने लगानी है। तो दोनों मेथड के फर्स्ट इतने पार्ट के अंदर हमारी डेप आएगी स्ट्रेट लाइन मेथड अगर हम यूज़ करते हैं, और इतने पार्ट के अंदर हम करेंगे कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ओरिजिनल कॉस्ट अगेन सारे के सारे कॉलम में सेम रहेगी कि हमने 1,80,000 प्लस 20,000 इंस्टॉलेशन हमारी ओरिजिनल या हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है 2 लाख। दूसरे साल, तीसरे साल, इधर दूसरे मेथड में भी हर एक साल में कितनी है बराबर। डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं 20% के हिसाब से, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमने क्योंकि
छः महीने बाद खरीदी तो पहले साल हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 6 मंथ के लिए, तो पहला 2 लाख के ऊपर 20%, साथ में हम लिख देंगे 6/12 कि सिर्फ 6 मंथ के लिए यूज़ हुई है, तो डेप्रिसिएशन अब आपकी आएगी 20,000। तो 20,000 जब हम इसमें से लेस करेंगे, बाकी हमारे रह जाएगी बुक वैल्यू 1,80,000। अब सेकेंड ईयर में अब हमने फिर अगेन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। अब पूरे साल की है तो इसको हम 12/12 कर सकते हैं, तो या कुछ भी करने की साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगी हमारी पूरे साल की 40,000। तो अगेन बुक वैल्यू में से इसको लेस करेंगे, बाकी रह जाएगी हमारे पास 1,40,000। नेक्स्ट ईयर फिर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल डेप्रिसिएशन सेम आती रहेगी, तो यहाँ से लेस हो गया, बाकी रह गया 1,00,000 पूरा कंप्लीट। नाउ दूसरा मेथड हम देखते हैं, इसके अंदर भी एसेट की वैल्यू कितनी थी, 2,00,000 रुपये। पहले साल हमने डेप्रिसिएशन 6 मंथ के लिए लगानी है, तो वो सेम आएगी ऊपर के मेथड की तरह 1,00,000, बाकी 80,000 क्या रहेगी बुक वैल्यू। दूसरे साल हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो 2,00,000 के ऊपर की बजाय हम किसके ऊपर लगाएंगे डेप्रिसिएशन, 1,80,000 के ऊपर। तो ये हमारी आ जाएगी 36,000, घटा के आ जाएगा इतना, अगेन अब 1,44,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन अब हमारी और कम हो जाएगी, ठीक है। अगर पहले साल डेप्रिसिएशन हमारी फुल ईयर के लिए होती तो ये 40,000 होती, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीनों साल की जो डेप्रिसिएशन है आपके सामने है। अब जो नेक्स्ट इसके अंदर हम एग्ज़ाम्पल लेके चलेंगे, एग्ज़ाम्पल तो वही होएगी, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, एज इट अगेन परचेज्ड फॉर 180, स्पेंट 20,000 इंस्टॉलेशन, डेप्रिसिएशन रेट भी वही है। यहाँ पे चेंज हमने ये किया है कि फर्म ने परचेज़ की है अनदर मशीनरी ऑन 1/10/2018 फॉर ₹50,000, कि 50,000 रुपये की मशीनरी उसी साल अगले साल अक्टूबर के अंदर खरीदी है, ठीक है। तो सबसे पहले फोकस अपना यहीं पे रखना है कि मशीनरी खरीदी कब है, तो ये अगले साल अक्टूबर के अंदर, इसका मतलब जो मशीनरी मेरी 2,00,000 की थी पहले साल वही यूज़ हुई है फुल ईयर के लिए, तो डेप्रिसिएशन हमारी फुल ईयर के लिए कितनी आ गई, 40,000। हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, बाकी रह गया 1,60,000। अगले साल क्या हुआ, मेरे पास अब ओरिजिनल कॉस्ट चेंज होने जा रही है, यहाँ पे मैंने 50,000 की मशीनरी और ख़रीद ली, अब मेरे पास जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी कितनी, 2,50,000। अब डेप्रिसिएशन मैंने कैसे प्रोवाइड करनी है, कि जो मेरी पुरानी मशीनरी 2,00,000 वाली थी वो तो पूरे साल के लिए यूज़ हुई है फुल ईयर, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो निकालेंगे पूरे फुल ईयर के लिए, ठीक है। बाकी की जो 50,000 की डेप्रिसिएशन है उसको हम लगाएंगे सिर्फ 6 मंथ के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी अक्टूबर के अंदर खरीदी है हमने, तो 20% के हिसाब से 6 मंथ की हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो इसका फुल ईयर का आ गया 40,000, इसका आ गया 5,000, तो कंप्लीट दोनों की इकट्ठी होगी 45,000 रुपये, ठीक है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 1,65,000 कैसे आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको निकालने के 3 तरीके हैं, चाहे तो ये सोच लो कि टोटल मेरी एजेट 2,50,000 की है और अब तक मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा चुका हूँ 40,000 और 45,000, 85,000, तो जब 85,000 हम इसमें से लेस करेंगे तो बाकी आ जाएगा हमारे पास 1,65,000। एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका ये है कि मान लो यहाँ पे मेरे पास पिछले साल बुक वैल्यू थी 1,60,000, उसमें मैंने नई एजेट खरीद ली और 50,000 की, तो हो गया कंप्लीट 2,10,000। 2,10,000 रुपये ऊपर अब डेप्रिसिएशन कितनी दे दी मैंने, 45,000, तो बाकी रह गया 1,65,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब थर्ड ईयर हमारा फिर आसान हो गया, हमारे पास जो है वैल्यू कंप्लीट, जो ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 2,50,000 है, पूरे साल उसको हमने यूज़ किया है
फुल ईयर के लिए तो वो 20% पूरे साल के लिए लगेगा इसके ऊपर, 50,000 रुपये डेप्रिसिएशन, बाकी हमारे पास इसमें से घटा के आ जाएगा 115,000। तो अब इसी चीज़ को अगर हमने दूसरे मेथड से करना है, अपने माइंड के अंदर फोकस में यही रखना है कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर चेंज क्या किया है कि एडिशनल एसेट खरीदी है। इससे पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था पिछले पेज पे, उसमें हमने एसेट को शुरू में खरीदने की बजाय मिड ऑफ द ईयर खरीदी थी, तो जितनी देर उसको यूज़ किया था उतनी देर के लिए उसकी डेप्रिसिएशन निकाली थी। अब यहाँ पे क्या है कि एडिशनल एसेट खरीदी है और वो भी मिड ऑफ द ईयर के बीच में, नेक्स्ट ईयर में, तो हमारे पहले साल के अंदर डेप्रिसिएशन इसकी सेम रहेगी, चाहे वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, 20% के हिसाब से 40,000, बाकी रह गया बुक वैल्यू 160,000। अगले साल 50,000 की और आ गई, 250,000 हो गया, तो डेप्रिसिएशन जो पुरानी एसेट है वो इसकी वैल्यू लेनी है घटे हुए कीमत के ऊपर 20% फॉर द फुल ईयर, और जो नई एसेट है 50,000 वाली उसके ऊपर 20% सिर्फ 6 मंथ के लिए, ठीक है। इसका आ गया 32,000, इसका आ गया 5,000, टोटल होगी 37,000 सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन। तो इसके अंदर फैसे ही हम करेंगे कि 160,000 के अंदर 50,000 की और आई थी, 210,000 की होगी थी, 37,000 कम होने के बाद बाकी रहेगी 173,000 रुपये की एसेट बुक वैल्यू। अब थर्ड ईयर आसान हो गया कि यहाँ पे कंप्लीट 250,000 थे, बट यहाँ पे हमने अब कैसे उसकी लगानी है इसकी बुक वैल्यू के ऊपर, 173,000 का 20% वो आ गया 34,600, बाकी बुक वैल्यू जाएगी 138,400। तो ये था आपका डेप्रिसिएशन का कंप्लीट। एक लास्ट जो एग्जांपल इसके अंदर बनती है कि अगर एसेट को एडिशनल और ख़रीदने की बजाय हम एसेट का कोई पार्ट अगर बेच दें तब क्या होएगा, तो उस केस के अंदर हमें साथ में उसका प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट वो भी हमने कैलकुलेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा टिपिकल है, उससे पहले हम देखते हैं कि हमने मशीनरी का अकाउंट कैसे बनाना है, डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनाना है और जनरल एंट्रीज कैसे करनी है। तो जनरल एंट्रीज करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसी कैलकुलेशन को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। मान लो कि ये मेरा क्वेश्चन था कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करके 20% के हिसाब से हमने 3 साल की डेप्रिसिएशन निकाली है, तो इसकी जनरल एंट्रीज कैसे होंगी। तो पहले हम वैसे इसके ऊपर ऊपर देखते हैं कि पहली जनरल एंट्री होगी इसकी कि हमने एसेट परचेज की, मशीनरी टू बैंक अकाउंट। दूसरी होगी इसकी 40,000 डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। और तीसरी होगी कि जब हम उस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज कर देंगे तो क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। फिर उसके 3 एंट्रीज के बाद हम करेंगे चौथी एंट्री दूसरे साल। दूसरे साल में आके क्या होगा कि अब एडिशनल हमने और 50,000 की वो खरीदी है मशीनरी, अगेन हम लिखेंगे मशीनरी टू बैंक। फिर हम दूसरी एंट्री करेंगे कि डेप्रिसिएशन की 37,000 की कंप्लीट एंट्री एक ही, तो डेप्रिसिएशन टू मशीन अकाउंट। तीसरी एंट्री करेंगे इसको जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, अगेन 7वीं और 8वीं एंट्री हम इसमें कर देंगे। तो कैसे करना है वही देखना है हमने, पहले 2 लाख की मशीनरी है और पहले साल 40,000 की डेप्रिसिएशन है। सो लुक हियर, सबसे पहले मशीनरी टू बैंक, 2 लाख की एसेट खरीदी थी हमने, पहले साल की डेप्रिसिएशन 40,000 थी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, इसको अब उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन, इतना आ गया। तो साथ में हमने डेट्स का ध्यान रखना है कि ये खरीदी थी साल के शुरू में, एंड पे डेप्रिसिएशन लगानी है, एंड के ऊपर इसको हमने शिफ्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब नई मशीनरी आ गई अगले साल अक्टूबर के अंदर, मशीनरी टू बैंक 50,000, सेकेंड ईयर की हमने कंप्लीट डेप्रिसिएशन इकट्ठी निकाली थी दोनों की, नई और पुरानी की 37,000 डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, इसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, ये हो गया।
अगेन तीसरे साल के अंदर अब कोई नई एसेट खरीदी नहीं है हमने, तो सीधा क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, और उसको ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज कर देंगे। तो इस तरह की जनरल एंट्रीज जब हमने पास कर दी तो हमारा मशीनरी अकाउंट बनाना बहुत आसान हो गया। तो मशीनरी अकाउंट आपके सामने बना पड़ा है, इसमें क्या करना है हमने, देखो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट के अंदर हमने इसको परचेज़ किया था, टू बैंक सेम डेट के अंदर हमने पहले ये परचेज़ प्राइस, ये इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, तो दोनों का इकट्ठा कितना हो गया, 2,00,000 रुपये। यहाँ पे डेप्रिसिएशन पहले साल की थी 40,000, तो जब 40,000 इसमें से 2,00,000 में से कटाएंगे, बाकी हमारे पास जो उसकी बुक वैल्यू रहेगी 1,60,000, तो दोनों तरफ हम इक्वलाइज करेंगे। अब ये जो बैलेंस है इसको हम लेके आएंगे यहाँ पे, अगले साल का ओपनिंग फिगर बन गई 1,60,000, और अक्टूबर के अंदर हमने खरीद ली 50,000 की, और हमारे पास होगी 2,10,000 की। और इसके अंदर से डेप्रिसिएशन दूसरे साल की थी कितनी, 37,000। 37,000 पे जब इसके अंदर से हम और लेस करेंगे 2,10,000 में से, बाकी रहेगा 1,73,000। इसको हम ले जाएंगे नेक्स्ट ईयर में, यहाँ पे 1,73,000। 1,73,000 पे जो हैं इसके ऊपर अब डेप्रिसिएशन लग गई थी 34,600, बाकी इसमें से जब देखेंगे इधर 1,73,000 है, इधर भी हम लिखेंगे 1,73,000, दोनों को लेस करेंगे तो बाकी आ जाएगा हमारे पास 1,38,400, उसको हम कैरी कर लेंगे और नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट। होप कि आपने बड़े ध्यान से इसको देखा होगा। आज के लिए इतना ही, अब जो नेक्स्ट इसकी सेकंड वीडियो आएगी इसकी डेप्रिसिएशन की, उसके अंदर हम सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पैस नवंबर में जो होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो मस्ट वॉच दैट। वेरी गुड मॉर्निंग, ओके स्टूडेंट्स।